अच्छा, अब आते हैं दूसरा जो टॉपिक है पीपल्स पार्टी के हवाले से। अब देखें जो सूरत हाल बन गई है वो ये है कि जनाब पीटीआई मुकाबले से निकल गई है, ये हकीकत है। और जो कोई 10% रह गई है ना वो भी निकल जाएगी। ये प्रैक्टिस में नहीं आ सकते। इन्होंने इतना जुल्म किया है पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ, फौज के साथ, कि अब ये सियासी मैदान में इस नाम से नहीं आएंगे। अब जो मैदान लग रहे हैं ना वो इस्तेकाम पार्टी आई है, देखें उसमें भी अभी गोम गो की कैफियत है कि वो कितनी सीटों पे लड़ते हैं नहीं लड़ते, अभी पार्टी रजिस्टर होनी है, सारा कुछ होना है। अब सूरत हाल ये है कि अब पंजाब का अगर मैं पहले देखूं तो पंजाब में मुकाबला होना है जी नून लीग का पीपल्स पार्टी के साथ कहीं कहीं, और कहीं कहीं जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ भी, और बाकी पार्टी तो एमक्यूएम वगैरह तो इधर नहीं है। और दूसरा केपीके में मुकाबला होना है मौलाना फजल रहमान साहब का, और वहाँ पे कुछ डिवीजन में जैसे हज़ारा डिवीज़न है उसमें नून लीग है, और कोई पेशावर डिवीज़न में कहीं कहीं पीपल्स पार्टी है, तो वो मुकाबला होना है मौलाना फजल रहमान का पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ, ठीक है। और इसी तरीके से सिंध में एमक्यूएम का मुकाबला होना है पीपल्स पार्टी के साथ, ठीक है। और बलूचिस्तान में ज़्यादातर आज़ाद लोग ही जीतते हैं, लेकिन वहाँ भी मौलाना फजल रहमान साहब की अक्सरियत होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये जो चारों पार्टियाँ ना इस वक्त इत्तेहाद में हैं, हकूमत में हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रही हैं। इलेक्शन में तो प्यार मोहब्बत नहीं ना होता, इलेक्शन में तो ये नहीं ना होगा कि मुंसिफ अवान साहब जी हलका नंबर 120 से खड़े हैं तो पीपल्स पार्टी वाले कहें जी एनु ही वोट दे दो, नहीं, उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा करना है, ठीक है। तो ये हर जगह ये सूरत हाल होनी है, आपस में इख्तलाफात होने हैं। तो बजाय ये कि पब्लिकली अवाम में मायूसी फैले कि यार देखो कल ये इकट्ठे थे एक ही थाली में खाते थे और आज ये हो रहा है वो रहा, हालांकि ये सियासत में ऐसे होता है, ठीक है। अब बिल्कुल 9 मई के बाद सारे हालात बदल गए हैं। 9 मई तो यकीन करो ऐसे है जैसे 9/11 के बाद पूरी दुनिया में हालात बदल गए ना, पूरी दुनिया में उन्होंने सारी सिस्टम ही बदल दिए हर चीज़ के। फिर इसी तरह जब कोरोना आया तो दुनिया में सिस्टम ही बदल गए सारे। तो अब इनको हम ये कह रहे हैं कि आप एक बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम करें, आखिरी दिन एक डिनर करें, और उस डिनर में सारे बैठें एक दूसरे से प्यार से बातें करें, और वहाँ ये तय करें कि भाई कल से हम अपनी अपनी मुहिम चलाएंगे, हमारे अपने अपने उम्मीदवार होंगे, अपने अपने वोट होंगे, लेकिन हम ये ज़ाब्ता इखलाक इधर तय कर रहे हैं इस डिनर पे कि कोई किसी को गाली नहीं निकालेगा और ये लिमिट्स है, इससे आगे नहीं जाएगा। देखिए सबसे अच्छी बात पता क्या होती है, वो मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद शाही मस्जिद के इमाम जिन्होंने मुझे हज भी कराया था फ्री, वो कहते थे कि भाई अपना मसलक छोड़ो नहीं और दूसरे का छेड़ो नहीं। कितनी प्यारी बात है, प्यारी बात है ना। इसी तरीके से देखें जी मुस्लिम लीग नून का अपना मंशूर है वो ना छोड़े, पीपल्स पार्टी का अपना है वो ना छोड़े, एमक्यूएम का अपना है, और दूसरे का छेड़ो नहीं। तुम खुद बताओ कि जनाब मैं आऊँगा ना तो एक चाय के साथ मैं आपको बिस्किट भी दूँगा, दूसरा कहे जी कि मैं आऊँगा मैं आपको काफ़ी के साथ सैंडविच भी दूँगा, तीसरा आए वो कहे जी कि मैं तो आपको डिनर कराऊँगा लंच कराऊँगा। दूसरे की काफ़ी को या चाय को बुरा ना कहेगा यार वो तो तुम चाय काफ़ी भी नहीं पिला रहे, ठीक है। तो इस डिसेंट तरीके से आप अलहदा हों
आखिरी डिनर करें डिसेंट तरीके से, आप अलहदगी इख्तियार करें और आवाम को बताएं कि अब हमने अपने अपने वोट मांगने हैं, ताकि मीडिया में और दुश्मनों में तमाशा ना बने। ये मैं तजवीज़ दे रहा हूँ, बड़ी ज़रूरी। अब वो आखिरी डिनर जब मर्जी कर लें, ठीक है। और ये भी कामयाबी हम समझते हैं जले शहबाज शरीफ की, कि उसने पीडीएम की क़यादत को इकट्ठा रखा और ये तकरीबन 1.5 साल हुकूमत चलाई इन्होंने, ये इनकी बड़ी कामयाबी है, ठीक है, ये कामयाबी है बिल्कुल। वरना कितने इख्तलाफ हुए तो शहबाज शरीफ साहब ने मिन्नत अरले करके उनको इकट्ठा किया, ठीक है। तो ये बड़ी खूबसूरत एक माहौल बनेगा इलेक्शन का, कम्पेन का एक खूबसूरत माहौल बनेगा कि देखो यार कैसे अच्छे तरीके से इस तरह भी कम्पेन चलाई जा सकती है कि तुम अपनी टेबल पे बैठ के जनाब काफ़ी पियो, दूसरा अपनी टेबल पे बैठ के चाय पिए, तीसरा डिनर करे, चौथा लंच करे। ये वाला माहौल हम चाहते हैं, ये वाला। ये नहीं कि जनाब जो ही आप अलहदा हों हुकूमत से एक दूसरे के ऊपर लान तान करें और बलावल कहे जी कि मैं वज़ीर ख़ारजा था, मैंने अच्छा काम किया है, शहबाज शरीफ साहब ने तो किया ही नहीं। शहबाज शरीफ कहे जी मैंने बहुत अच्छा किया है, असद महमूद ने मौलाना फजल रहमान साहब वाले ने तो किया ही नहीं, या मौलाना फजल रहमान वाला कहे कि जनाब MQM ने तो कुछ किया ही नहीं। दूसरों के कीड़े नहीं निकालते, ये मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। खूबसूरत डिसेंट तरीके से ऐसे काफ़ी पीते पीते अलविदा कहें, बगलगीर हों, पपी जपी करें, ठीक है, और फिर आप अलहदा अलहदा अपनी कंपेन पे निकल जाएं। मुझे ये बताएं आपको ये कैसा लगा है, ये वाली तजवीज़ कैसी लगी है। तो दुश्मन तो कहेगा कि जनाब इनके इनकी चौराहे पे हांडिया टूटे, इनकी हंडिया चौराहे पे टूटे, लेकिन आपने डिसेंट वे से करना है। मैं ये शहबाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं ये मौलाना फजल रहमान साहब से भी करूँगा, आसिफ अली जरदारी से भी करूँगा, MQM वालों से भी करूँगा। ब्लेम गेम ना हो, जो इमरान नियाजी ने लानत फैलाई है ना ब्लेम ब्लेम की, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, इल्ज़ाम खान भी उसे कहते हैं, वो नहीं करनी। आपने मिसाली तरीके से साबित करना है कि कल को आप जीत जाए ना तो आप एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाएं, आपको शर्मिंदगी ना हो कि यार मैंने तो ये लफ्ज़ कह दिए थे, ये कह दिए। ये मेरी तजवीज़ है, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आगे फैलाएं और चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं, इग्नोर करें। अल्लाह हाफिज़।